जोसेफ मेंगेल और क्लास सिलिंग के बाद फ्रिट्ज क्लेन एक और दुष्ट नाजी डॉक्टर था जिसने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किए गए भयानक नाजी अपराधों में भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले फ्रिट्ज क्लेन रोमानिया में एक डॉक्टर के तौर पर काम करता था। उसके जीवन का सबसे काला दौर ऑस्विट्ज कंसंट्रेशन कैंप और वहां हुए अत्याचारों से जुड़ा है। क्लेन ने रेम पर सैन में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसका अर्थ है कि वह जो चाहे वो तय कर सकता था कि कौन कैदी मरेगा या यातना शिविरों में भयानक परिस्थितियों में जीवित रहने की कोशिश करेगा। मानव जीवन क्लेन के लिए कोई मायने नहीं रखता था। फ्रिट्ज क्लेन छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ता था। उसने 12 साल के बच्चे को केस चैम्बर में इसलिए डाल दिया था क्योंकि वह बच्चा काम नहीं कर सकता था। क्लेन ने हॉस्पिटल एक्सपेरिमेंट्स में भाग लिया था। वह कैदियों के हार्ट में डेंजरस क्लोरोफार्म या फिनाल इंजेक्ट करता था। यहूदियों पर क्लेन हद से ज्यादा घातक और अमानवीय एक्सपेरिमेंट्स करता था। यहूदियों के खिलाफ किए गए अमानवीय प्रयोगों पर वह लोगों से कहता है कि यहूदी मानव जाति के ग्रेंगनीस अपेंडिक्स है, इसीलिए मैंने उन्हें काट दिया। लियोनबर्ग में एक ब्रिटिश सैन्य अदालत ने क्लेन और उसके 44 नाजी साथियों को सितंबर 1945 से नवंबर 1945 तक कैदियों द्वारा दिए गए भीषण गवाही के आधार पर फांसी की सजा सुनाई गई थी। जब फ्रिट्ज क्लेन को फांसी की सजा सुनाई गई थी तो वह 57 साल का था। 13 दिसंबर 1945 को अल्बर्ट पेरे पॉइंट द्वारा हेमलिन जेल में क्लेन को फांसी दी गई थी। तो यह कहानी थी एक कुख्यात नाजी डॉक्टर फ्रिट्ज क्लेन की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe my channel for next video. Thank you.